हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपिल एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्ट में जो न्यू रिक्रूटमेंट आई है, फायरमैन एंड ट्रेडमैन मेट के पद पर उसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, एलबीटी कंडीशंस, नोटिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, एओसी की आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्ट की, तो आपको ये विंडो यहाँ देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन आप यहां पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ में देखने को मिलेगी। यहां पे आप चल रहा है आपका, इसमें स्क्रॉल, इसमें क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन आपका ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन को केयरफुली आप रीड करेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहां पे दिया गया है। और आगे चलने से पहले, अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेडमैन मेट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1249 यहाँ पे रहेगी, फायरमैन के लिए 544। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पे स्केल आपको यहाँ देखने को मिलेगा 18,000 बेसिक से 56,900 रहेगा ट्रेडमैन के लिए, और फ्रेंड्स यहाँ पे फायर मैन के लिए 19,900 से 63,200 बेसिक आपका यहाँ पे वेतन रहने वाला है। फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे आप देंगे रीजन वाइज स्टेट वाइज वैकेंसीज यहाँ पे डिवाइडेड की गई हैं, उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी डिटेल्स को। एज लिमिट्स यहाँ पे दी गई है ट्रेडमैन के लिए 18 से 25, एज पर गवर्नमेंट एज इलेक्शन आपको देखने को मिलेगी। 10th पास होना चाहिए, साथ में आईटीआई आपके पास होनी चाहिए। फ्रेंड्स, फायरमैन के लिए 18 से 25 एज और 10th आपका क्वालिफिकेशन क्वालिफाई होना चाहिए। एज इलेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी की डिटेल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पहले बात करेंगे, फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में। आगे चलने से पहले, अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आवेदन करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना होगा, एंड बाकी के डिटेल्स एंड डायरेक्ट आवेदन करने के लिए नोटिफिकेशन के लिए लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड्स आप न्यू कैंडिडेट हैं तो क्रिएट न्यू अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे, फर्स्ट नेम आपको देना होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल, नहीं है तो आप यहाँ पे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट नेम फिल करना होगा। उसके बाद आता है डीओबी सेक्शन। सबसे पहले आपको ईयर ऑफ ईयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मंथ एंड डे यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको अपना फादर नेम यहाँ पे फिल करना होगा। फादर नेम फिल करने के बाद जेंडर मेल या फीमेल जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा, ईमेल आईडी जो लॉगिन नेम में आपका यूज होने वाला है, वो पासवर्ड आप जो रखना चाहते हैं पासवर्ड आपको फिल करना होगा। कैप्चर कोड फिल करने के बाद रजिस्टर पे आपको क्लिक करना होगा। आपको अपना जो ओटीपी प्राप्त होगा आपको ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। यहाँ पे कैप्चर कोड्स को फिल करना होगा और वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक करना होगा। वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुली हो जाएगा, फिर दोबारा से आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चर कोड जो दिए गए हैं उनको फिल करना होगा और लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे एग्री करना होगा, यहाँ को रीड कर लेंगे जो यहाँ पे दिए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस को, और आपको आई एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड जिस भी पद से आप आवेदन करना चाहते हैं, ट्रेड मैट से या फायरमैन से, वो पद आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे आपको सब कैटेगरी, यदि आप फिजिकली हैंडकैप, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन 10th रखी गई है, डिपार्टमेंटली कैंडिडेट हैं आप तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। एग्री, आई एग्री पे आपको क्लिक करना है, न्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना होगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मदर नेम फिल करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मदर नेम फिल करेंगे, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगी, रिलीजन आपका जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क यदि कोई है तो आप यहाँ पे मार्क उसका यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे नो मार्क फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आपका यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपका यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पे सर। उसके बाद आता है कोरस्पोंडम एड्रेस, आपको यहाँ पे फिल करना होगा, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस आपको फिल करना होगा। फ्रेंड्स,
यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिल करेंगे, यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, पिन कोड आपको यहाँ पे देखना होगा फ्रेंड्स। पोस्ट ऑफिस पिन कोड एड्रेस फिल करने के बाद कोरस्पॉन्डम और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो आपको सेम इस पर क्लिक करना होगा। कास्ट टाइप आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी, आपके जो भी आप एक्स सर्विस मैन है, ईडब्ल्यू एसटी एससी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे कैटेगरी एंड अदर सब कैटेगरी है तो आप यहाँ पे अपनी सब कैटेगरी जो भी है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे और सेव पे आपको क्लिक करना होगा। डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेंड्स एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन पे आपको जाना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे 10th के आपको रोल नंबर फिल करने होंगे, स्कूल का नाम आपका क्या है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा और बोर्ड आपका जो भी बोर्ड है आप यहाँ पे अपना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है वो आप सेलेक्ट करेंगे, जो इस भी स्टेट से आपका जो भी बोर्ड रहेगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपने कब पास किया 10th वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, ईयर ऑफ पासिंग 10th की आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मार्क क्या थे वो आपको यहाँ पे देना होगा फ्रेंड्स, टोटल मार्क क्या थे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, टोटल मार्क यहाँ पे और आपने कितने मार्क ऑप्टेन किए हैं वो मार्क आपको देने होंगे फ्रेंड्स, जो आपने मार्क ऑप्टेन किए हैं वो सेलेक्ट करेंगे। यदि सी जी पी ए ग्रेड है तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा, अदर और कोई क्वालिफिकेशन हैं आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो आपको सेव पे क्लिक करना होगा, डाटा सेव हो जाएगा। अदर डिटेल्स में जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो यस करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर डेट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नेम, स्टेट डिस्ट्रिक्ट और एड्रेस आपको देना होगा, नहीं है तो सीधा नो पे क्लिक करना होगा और सेव पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा अपलोड डाटा पे, यहाँ पे आप अपलोड डाटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लाइव फोटो आपका अपलोड करना होगा, यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, यहाँ पे आईडी जो भी आईडी आप करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड उसका डॉक्यूमेंट आईडी नंबर आपको देना होगा, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड करना होगा। फोटो का साइज यहाँ पे दिए गए 10 से 25 KB होना चाहिए, सिग्नेचर भी 10 से 25 होना चाहिए, आईडी 30 से 50 और 10th का मार्कशीट भी 30 से 50 KB के बीच में आपकी होनी चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। सेव पे क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे अपना सेंटर सिटीज आपको चूज करनी होगी, आपको यहाँ पे दी गई है, इन सिटीज में आप अपना देख लेंगे जो भी आपके नियर बाई सेंटर सिटीज हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। 5 आपको सिटीज यहाँ पे चूज करनी होगी तो आपके हिसाब से आप यहाँ पे चूज करेंगे 5 सिटीज को, जो भी आप रखना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पोस्टिंग रीजन आपको सेलेक्ट करने होंगे, कौन सा आप रखना चाहते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आपके हिसाब से आपको देना होगा फ्रेंड्स, जो भी आप रखेंगे यहाँ पे सिंगल एक रीजन एक बार ही आपको सेलेक्ट करना होगा, दोबारा से आप नहीं सेलेक्ट करेंगे। जिस भी रीजन से आप आवेदन फर्स्ट प्रेफरेंसी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन डिक्लेरेशन आप करना होगा, प्लेस ऑफ जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं अपना प्लेस यहाँ पे आपको लिखना होगा, कोड फिल करना होगा, जो भी आपका कैप्चर कोड फिल करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा, आपका फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा। सारे डिटेल को केयरफुली चेक कर लेंगे, सारे डिटेल चेक करने के बाद आप जो भी आपने फिल किया है आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा, प्रीव्यू लेके आप करना चाहते हैं चेक प्रीव्यू पे क्लिक कर लेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसका प्रिंट आप ले लेंगे और फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास सेव रखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, और अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका आवेदन हो गया है सक्सेसफुली सेव, आपको यहाँ पे बैक होम पे जाना चाहते हैं आप होम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका आवेदन सबमिटेड आपको देखने को मिलेगा, आपका जो आवेदन फिल किया है आपका सबमिटेड हो गया है, आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, जो आपका यहाँ पे रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस उसके बारे में, और अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जरूर पीटी और स्किल टेस्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स। स्टेट फर्स्ट आपका जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा ट्रेनमेंट मैट के लिए, यहाँ पे आपका दिया गया है फिजिकल टेस्ट 1.5 की रनिंग रहेगी, सेगमेंट का आपको समय मिलेगा, आपको 50 kg का वेट कैरी करना होगा, 200 मीटर 100 सेकेंड में आपको करनी होगी,
फॉर एएसएम के लिए यहाँ पे दी गई है एज से रिलेटेड, एज के ग्रुप के हिसाब से आपको यहाँ पे दी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट 26 सेकंड का समय और 20 मिनट का समय आपको यहाँ मिलेगा, जो कि आपको दिया गया 50 kg का वेट आपको उठा के और यहाँ पे करना होगा। 3 मिनट 45 सेकंड आपको समय मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे फायरमैन से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, सेम ही आपका रहने वाला है। चेस्ट आपका 81.5 सेंटीमीटर और फुलाना 5 इंची का आपका होना चाहिए। वेट मिनिमम आपको यहाँ पे दिया गया है। हाइट विदाउट शूज यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे आप चेक कर लेंगे। सेलेक्ट रिटर्न एग्जाम की बात करेंगे लेवल 1 एंड 2 के लिए, यहाँ पे आपको जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क है, न्यूमेरिकल 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, जनरल इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क के, 150 क्वेश्चन 150 मार्क के, 2 घंटे का आपको ड्यूरेशन। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, VH कैंडिडेट हैं, तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिलेगी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। दोनों ही लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी फ्रेंड्स, हिंदी एंड इंग्लिश एग्जाम के अंदर। फुल सिलेबस हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे लिंक, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग कबील एजुकेशन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स।